अब तक तो पांच हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो पांच हमने मारे हैं, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। मैंने लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। ये इस एरिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द नेशन। मॉब लिंचिंग को लेकर एक नई तरीके की बहस फिर से छिड़ गई है। क्या भाजपा का और भाजपा के नेताओं का मॉब लिंचिंग में, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उसमें हाथ है? इसको लेकर एक बार फिर से बहस इसलिए गर्म हुई है क्योंकि भाजपा के एक पूर्व विधायक ने एक कबूलनामा किया है। राजस्थान के अलवर में 14 अगस्त को किसान चिरंजी लाल, जो कि 45 साल के थे, उनकी मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई। घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। चिरंजी लाल के घर पर भाजपा नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, सब संवेदनाओं के बहाने सियासत कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल टूरिज्म जारी है ताकि जब आगे चुनाव आए तो वोट काटे जा सके। इसी कड़ी में कल गोविंदगढ़ पहुंचे रामगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, एक ऐसा बयान दे बैठे जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या गाय के नाम पर मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग होती है उसमें बीजेपी के नेताओं की मिली भगत रही है? क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा का ये बयान एक इकबाले जुर्म है जो भाजपा के चेहरे पर दाग लगाने के लिए काफी है। क्या इस मामले में ज्ञानदेव आहूजा को गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाएगा? क्या पहलू खान और अकबर के कत्ल के इल्जाम में या कत्ल के अपराध में इस भाजपा नेता को और इसकी बातों को मानने वालों को जेल में सड़ाया जाएगा? पता नहीं, मगर बीजेपी को इस बयान पर भागते नहीं बन रहा क्योंकि कांग्रेस ने हर तरफ से डंडे डाल दिए हैं। आहूजा वही पूर्व विधायक हैं जो जेएनयू में रोज इस्तेमाल होने वाले कंडोम की गिनती के लिए मशहूर हुआ करते थे। रोज बताते थे कि इतने हजार कंडोम जो है वो जेएनयू में यूज होते हैं, यहां लड़के लड़कियां पढ़ते नहीं है, बस सेक्स करते रहते हैं। लेकिन है क्या जेएनयू टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, भारत की? और ज्ञानदेव आहूजा विधायक से पूर्व विधायक हो चुके हैं, इनका कारोबार पता नहीं कूड़े में कंडोम गिनने का था, पता नहीं। दोस्तों, अलवर में मॉब लिंचिंग को लेकर सियासत जारी है। इस घटना के विरोध में भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है। मृतक किसान के घर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा एक घिनौना बयान देने के लिए पहुंचे। खून से सना हुआ उन्होंने बयान दिया और वो बयान क्या है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि सरकार लिंचिंग में मृतक हिंदू के परिजन को नौकरी देने की बात कर रही है। नौकरी कौन सी सरकारी है, वो तो संविदा की नौकरी है। ज्ञानदेव आहूजा ने जो आगे कहा वो बहुत चौंकाने वाला है और उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने एक मारा है, उन लोगों मतलब मुसलमानों, उन लोगों ने एक मारा है, अब तक तो पांच हमने मारे हैं, यानी कि मुसलमानों को हमने मारा है। मॉब लिंचिंग में पांच मुसलमानों को हमने मारा है, ज्ञानदेव आहूजा बोल रहे थे। मैंने हमारे लोगों को, कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, आहूजा बोलते हैं कि मारो, बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। सब लोग बैठे हैं गोविंदगढ़ के, आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। अभी 5-7-10 दिन का टाइम लेकर के ये कोई 20-25-30 हजार लोगों का कार्यक्रम करेंगे तो जनता का दबाव बनेगा और ये एक घटना थोड़ी है, वो सारी घटना है। सारी घटनाओं को पांच हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। वो मारे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो पांच हमने मारे हैं। ये इस एरिए में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है। मैंने अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो को किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है, बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। ये बयान अपने आप में एक बाले जुर्म है, क्या करेगी भाजपा? पूर्व विधायक के बयान की मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबैर खान ने निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ऐसी ही भाषा है, ये ना तो किसी की मदद करने वाले हैं ना कोई विकास करने वाले हैं। जुबैर खान ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिले, नौकरी में मदद, जो बेचारा चिरंजी लाल मारा गया उसके लिए कह रहे हैं, जिन्होंने हत्या की उन्हें सजा मिले और यही होना चाहिए। हत्यारों को आप हिंदू मुसलमानों के आईने से देखने लगे तो हो चुका, हत्यारा हत्यारा अपराधी है, इंडियन पिनल कोड के तहत जो उसका जुर्म बनता है उसके हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। आप कभी बलात्कारी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी हथियारों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कभी दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से सजा कैसे सुनिश्चित होगी? अब ज्ञानदेव आहूजा के इस बयान पर जो बैठे बैठाए
मिल गया है एक बड़ा मौका कांग्रेस को, और जो ट्विटर पर एक बाढ़ सी आ गई है रिएक्शंस की, और जो अखबारों की हेडलाइन करी वो पढ़ के सुनिए, और मैं पढ़ रहा हूं आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें सब कुछ है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आप गाय बगाए इन्हें टीवी डिबेट्स में देखते होंगे। लिखते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए ज्ञानदेव आहूजा के कि राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा साफ साफ बता रहे हैं कि इन्होंने अब तक 5 मारे हैं। भाजपा का आतंकी चेहरा सबके सामने है, क्या एनआईए कार्रवाई करेगी? अरे कहां पूछ रहे हैं राजपूत साहब, एनआईए कार्रवाई ऐसे थोड़ी ना करेगी। ज्ञानदेव आहूजा को विपक्ष में जाने दीजिए पहले। ज्ञानदेव आहूजा कह रहे हैं कि 5 मारे हैं, और कांग्रेस इन्हें भाजपा का आतंकी चेहरा बता रही है। आतंकी चेहरा बोले ना भाजपा, और भाजपा राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य ही आदमी, देखिए ना। दूसरा ट्वीट गोविंद सिंह डोटासरा का है, और ये बहुत अहम आदमी है क्योंकि ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं राजस्थान में। और गोविंद सिंह डोटासरा साहब लिखते हैं कि अब तक 5 हमने मारे हैं, कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, मारो बी 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 को जमानत हम करवाएंगे। ये शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक व कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए, पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्त। ये जो बीजेपी की तरफ से और उनके नेता ने जो इकबाले जुर्म किया है कि 5 लोगों की मॉब लिंचिंग, जिसमें रकबर पहलू खान और न जाने कौन कौन जो है शामिल थे, वो गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुई है, गौ हत्या के नाम पर जो लिंचिंग हुई है, उसमें ज्ञानदेव आहूजा और इनके लोग शामिल थे। ज्ञानदेव आहूजा बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और क्या चाहिए सबूत, इन्हें जेल में कब डाला जाएगा? ये भी लिख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, बीजेपी के मजहबी आतंक और कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए। हिम्मत सिंह है गुर्जर, वेरीफाइड यूजर है, और ये किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं। ये लिखते हैं कि मौत किसी की भी हो दुखद होती है, एक किसान चिरंजीव सैनी की ट्रैक्टर चोरी का इल्जाम लगाकर मॉब लिंचिंग कर दी थी। संवेदना व्यक्त करने गए बीजेपी के रामगढ़ से पूर्व MLA ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, हमने उनके 5 मारे हैं, प्रदेश में बीजेपी के लोग सांप्रदायिक दंगा करवाने के लिए किस कदर उकसाते हैं। एक यूजर, आप ये पहले न्यूज 18 ने जिस तरीके से खबर को लिखा है, भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो वायरल, कहा उन्होंने 1 मारा, हमने 5 मारे। अरे तो वीडियो वायरल, विवादित वीडियो वायरल, विवादित काय को बोल रहे हो? बोलो ना जहरीला दंगाई, बोलो ना, बोलो इकबालिया जुर्म वायरल, नहीं बोलेंगे। न्यूज 18 राजस्थान लिखता है उनका ट्वीट में अपने के, अलवर ज्ञानदेव आहूजा का वीडियो वायरल, बोला हमने 5 मारे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ, उन्होंने 1 हमारा मारा है। मैंने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी, कार्यकर्ताओं को खुली छूट हत्याओं की, मर्डर करने की। इस देश में कौन सा राज है भाई, तानाशाही है क्या? पुलिस नहीं, अदालत नहीं है, कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है। कौन है वो हत्यारे कातिल, कौन है वो वहशी दरिंदे जो इनके कहने पर हत्याएं करते हैं, और क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या इनके पर्सनल कार्यकर्ता है? मैंने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। तुम खुली छूट देने वाले हो कौन भाई? लोकतंत्र संविधान इस देश में नहीं है क्या? अदालत नहीं है, तुम खुली छूट दोगे? हिटलर है, हिटलर शाही है क्या? जमानत हम कराएंगे। PCC चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर कहा, आहूजा के बयान से भाजपा का असली चेहरा सामने आया। आप क्या कह रहे हैं, आपको भी बोलना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ट्विटर हैंडल है, राजस्थान PCC का, उससे लिखा गया है, पूर्व बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा का कबूलनामा सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बालिया जुर्म है, कबूलनामा है, अब तक तो हमने 5 मारे हैं, हिंसात्मक घटनाओं का साजिशकर्ता राज्य में सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़कर खुलेआम दंगे कराने के लिए भड़का रहा है। पुलिस राजस्थान को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसात्मक घटनाओं का साजिशकर्ता, ये साजिशकर्ता ज्ञानदेव आहूजा राज्य में सौहार्द और कानून व्यवस्था बिगाड़कर खुलेआम दंगा कराने के लिए भड़का रहा है। इससे दूसरे लोग नहीं भड़केंगे, ज्ञानदेव आहूजा खुद आफत में नहीं फंसेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लिखा, ज्ञानदेव आहूजा के बयानों पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट, कहा यह शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। बीजेपी के मजहबी आतंक और कट्टरता का और क्या सबूत है, वही बात जो हमने सुनाई थी। अमन यावर करके एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पूर्व बीजेपी के विधायक अनु ज्ञानदेव आहूजा वीडियो वायरल, खुद कबूल कर रहे हैं हमने 5 मारे। ये राजनीति षड्यंत्र में कितने चिराग बुझाए होंगे, सोचिए सोचिए।
एक सिकंदर कलरान लिखते हैं कि ये देखो पूर्व विधायक पुलिस राजस्थान, ये देखो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 5 लोगों को मारा। सीएम अशोक गहलोत जी, क्या आपने राजस्थान पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, पूछ रहे हैं वो, पुलिस कब इस आदमी को गिरफ्तार करेगी। अवधेश लिखते हैं बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा 5 लोगों की हत्या का दावा कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी। खबर भी छपी है, अखबारों में भी आई है, फिर भी कुछ नहीं है। देख लीजिए लेटेस्ट ली लिख रहे हैं कि अलवर मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। अबे कबूलनामा लिखो भैया, कबूलनामा लिखिए आप में से कोई लोग। तो दैनिक भास्कर लिखता है मॉब लिंचिंग मामले में पूर्व एमएलए का विवादित बयान, कबूलनामा लिखिए, वो कह रहे हैं हमने 5 मारे हैं, लिखिए ना। ज्ञानदेव बोले पहली बार हुआ कि इन्होंने मारा, हमने 5 मारे। कूटनीति तैयार करनी पड़ती है, कह रहे कूटनीति, कौन सी कूटनीति, उसे जिसे आप कूटनीति कह रहे हैं उसे हत्या नीति कहते हैं, उसे दंगा नीति कहते हैं कि जाओ हमने खुली छूट दे दी, हम मारो। दोस्तों क्या सोचते हैं इस वीडियो के और इस बयान के बारे में आप बताइए और सोचिए, क्या भाजपा इस पर कार्रवाई कर पाएगी और क्या राजस्थान पुलिस इस बंदे को जेल में डाल पाएगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।